हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है, तो अभी मैं हूँ अपने गांव में, अपने यहाँ होम टाउन में। और यहाँ पर आज का जो व्लॉग होने वाला, हमारा जो होने वाला, यहाँ पे एक हाईवे बन रहा है मस्त सा, जो सब जानते हैं, यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस यही वाला है। देख रहे हैं आप, ये नया हाईवे बन रहा है यहाँ पर ये, और ये होगा 4 लाइन का हाईवे। तो ये जो हाईवे होने वाला है, ये जो हमारा होने वाला है 296 किलोमीटर का हाईवे होने वाला है, जो कि होगा जैसे आपने देखा होगा यमुना एक्सप्रेस वे लखनऊ। तो जो आगे से जो है ना हाईवे, वो आगे जुड़ेगा लखनऊ से, लखनऊ से जुड़ेगा वो आगे से। और ये सारा जाएगा लाइन 4 लेन का हाईवे होगा, और आगे फिर जाके मिलेगा चित्रकूट लखनऊ के पास, तो वहाँ पर जाके मिलेगा। 4 लाइन का ही हाईवे यहाँ पर, और 4 लाइन उस तरफ है जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है, बिल्कुल वैसी हाईवे है। मतलब सही बनेगा, शानदार, बिल्कुल एकदम मस्त बनेगा। तो इस पर जो काम हुआ अभी बिल्कुल चल रहा है, काम शायद लग रहा है 1 साल लग जाएगा इस पर बनने में। और ये देखो यहाँ पर जो है, ये ज़मीन से इतना ऊंचा हुआ, ये तो बहुत है, कम से कम 1 मंजिल हुआ है ऊपर, पता नहीं 20-30 फुट ऊँचा हुआ है यार ये ज़मीन, मतलब कोई भी नहीं आ पाया यहाँ पर जानवर वगैरह। और यहाँ पर ये है एकदम, यहाँ से बनेगा एकदम मस्त। और ये आसपास का जो गांव वगैरह है वहाँ भी जुड़ेगा ना, गांव से जुड़ेगा ये हाईवे। और ये जो गांव है यहाँ पे साइड में, मतलब सही रहेगा, सहूलियत मिल जाएगी गांव वालों को यहाँ से। और ये यहाँ हुआ 4 लाइन इस तरफ होंगी, 4 लाइन उस तरफ होंगी, बीच में ये बैरिकेड लगा रखे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो आप। और ये किस लिए हुआ, देखिए ये देखिए, बारिश का पानी, अच्छा बारिश के पानी के लिए है, और वो वहाँ काम हो रहा दबा के। तो अभी ये जो काम हो रहा है इस पर जो है, अभी शायद ये चीज़ डली है इस पर डामर की, पता नहीं कौन सी, शायद पहली लेयर है यहाँ पे ये, और इसके ऊपर पता नहीं कौन कई सी लेयर होगी। तो पतला एकदम इसमें एकदम स्मूथ करेंगे ये हाईवे, ताकि गाड़ियाँ चले मस्त स्पीड से। तो काम तो जो है बड़ा सही हो रहा है यहाँ पर, बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है, ये 1 साल शायद लग जाएगा इस पर काम को होने में, बिल्कुल शानदार लगे मस्त। और ये देखिए यहाँ पर एक व्यू यहाँ से, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये देख रहे हो आप, काम हो रहा है यहाँ पर हाईवे का, और यहाँ पर जो है पुल बन रहा है, आगे लाओ कैमरा, देख रहे हो ये जो बन रहा है, यहाँ काम हो रहा है बड़ी तेजी से। तो 296 किलोमीटर का जो हाईवे हुआ यहाँ पे यहाँ तक, और पीछे जो है गांव जो होते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पर जो है इन लोगों ने हाईवे वालों ने दे रखा है पुल वगैरह देने के लिए, और नीचे से जो है गांव को जाने के लिए पुल होगा यहाँ पे, जो भी लखनऊ से चित्रकूट से होगा बिल्कुल भी। चलो आप दिखाता हूँ मैं आपको आगे कैसा हो रहा काम हाईवे का, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का। बड़ी बड़ी लेबर जो है यहाँ पे काम कर रही है, वर्कर्स वगैरह, मशीनें भी बड़ी बड़ी काम कर रही हैं, जिससे कि जो है हाईवे जो है बड़ा अच्छा बन सके, और मतलब काम जो है सही हो रहा है। आइए आप, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, आगे ले जा आगे। ये है JCB वगैरह लग रही है काम यहाँ पर, जो है देखो सरिये से इसकी पूरी हो रही है, पूरा दिमाग लगाया इंजीनियर वाला। जो लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो अब मुझे जो है अपने गांव, अपने शहर से दिल्ली से आने में आसानी होगी, क्योंकि वहाँ से मैं जो है पहले लखनऊ से आगरा से होते हुए आऊँगा आगरा हाईवे वाले पे, फिर वहाँ से लखनऊ पे तो वो आ जाऊँगा, फिर यहाँ से फिर सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेस आऊँगा। तो यहीं पर रास्ते मेरे गांव पड़ जाए, जैसे मैं आ जाऊँगा बहुत तेज़ी से। तो और लोग जो रहते हैं जैसे कानपुर वगैरह रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, तो उनके लिए ये सहूलियत हो जाएगी हाईवे, क्योंकि पहले आगरा से यहाँ तक आएँगे, उस बीच में जो है वो कट दे रखा हाईवे के लिए, तो उससे जो है हाईवे जो है
जो जिनका गांव जो आसपास है तो वहां से आ सकता हाईवे से बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ आपको जो ये व्लॉग मेरा छोटा व्लॉग जो है पसंद आया होगा, और मेरे पहले भी जो व्लॉग है मेरे आपने देखे होंगे वाले ट्रेन व्लॉग या जर्नी व्लॉग और भी मैंने डाले हुए हैं, और ये व्लॉग भी आपको मस्त लगेगा। और इस हाईवे पर जरूर आए जो भी यूपी का है या यूपी से निकलता है बीच में से, तो इस हाईवे का यूज़ करना। आप एक साल के अंदर ये बन जाएगा हाईवे, एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम सारी चीज़ें का बिल्कुल कवर करेगा ये हाईवे, इसका बहुत यूज़फुल है। तो चलिए दोस्तों मैं करता हूँ अपने व्लॉग का दी एंड, और तो मिलते हैं अपने अलग व्लॉग में, दूसरे वाले व्लॉग में। तब तक देखते रहिए मेरे चैनल RS इंडियन व्लॉग। तो टाटा एंड बाय बाय।